मैं बता रही थी आपको कि ये मतलब इस तरह से अगर हम तीनों H1 को भी दिए तो हम चाहते हैं कि ये जो दरमियान में स्पेस आ रही है ना एक्स्ट्रा, ये मत आए, ये भी कवर हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, इनको एक डिफ में रख लिया। आप इनको डिफ में रख लें या सेक्शन में, सेक्शन भी यूज हो जाता है। और आप यहाँ जाके ना, बजाय ये कि आप ये बैकग्राउंड कलर जो है वो H1 को दें, आप यहाँ जाके इन बैकग्राउंड कलर जो है ना वो डिफ को दे दें, पूरे डिफ को। डिफ को जब दिया, डिफ को हम अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे आज हाजरा ने टेबल को यूज किया, ऐसे हम डिफ को भी यूज कर लेते हैं CSS में ये। ठीक है, तो ये हमारे डिव का पास, टैग तो क्लोज किया नहीं आपने। ये क्या है ये? मैंने वहां भी नहीं करना, वहां अलग से। ये क्या है, ये CSS है अच्छा, ना ये इसका टैग कर... नहीं है। ये टैग नहीं है, CSS है। इसके बारे में कल बताया तो था कि जी मैडम, याद आ। ये सिलेक्टर है, डिव सिलेक्टर हो गया, ये कर्ली ब्रेसिस हो गई, और ये उसके अंदर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू। ठीक ठीक है, है मैम। प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये CSS है। अब ये मैं एक्सटर्नल CSS में लिख रही हूँ, और ये मेरा, ये जो है ना, ये मेरी HTML की फाइल है। ठीक हो गया, ये हमारे डिव को इस तरह से हमने क्या कर लिया, बैकग्राउंड कलर असाइन कर लिया। इसी तरह से हम चाहें तो बैकग्राउंड पे इमेज भी लगा सकते हैं, इमेज भी, जैसे मैं बॉडी का टैग के अंदर ना बैकग्राउंड पे एक इमेज लगाती हूँ। उसके लिए आपने ना लिखना है बैकग्राउंड इमेज, ये आ गया बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, आगे लिखना है आपने URL, और इस URL के अंदर आपने इमेज का ना पाथ देना है। जैसे हम इमेज का पाथ अपने HTML में लगाते हुए देते थे ना, ऐसे URL में भी लगाते हुए आपने इमेज का पाथ देना। मैं एक इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, मेरे पास समर में यहाँ एक इमेज पड़ी होगी, ये इस इमेज को मैंने उठा के ना अपने फोल्डर में डाल लेते हैं, जहां पे हमने कोड रखा हुआ है, Fall 2020 SC5th self, और यहाँ पे इमेज डाल लेते हैं। इमेज का नाम है बैक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे BA, इमेज का नाम JPJ। ठीक है, साथ उसकी एक्सटेंशन भी। सेक्शन और डिफ में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों सेक्शंस क्रिएट करने के लिए ही यूज होते हैं। HTML5 से पहले डिफ था, HTML5 में उसी का नाम सेक्शन रख दिया है इन्होंने। ये देख, ये मेरे बैकग्राउंड पे क्या आ गई है, इमेज आ गई। ठीक हो गया, अब यहाँ पे जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है ना, RGB। ठीक है, अब मैं रेड ये देती हूँ, और यहाँ पे मैं जो हूँ ना कलर दे देती हूँ। अब कलर मैं ब्लैक ही रखती हूँ, सारे कलर मैं ब्लैक रखती हूँ। अब एक मिनट जरा। अस्सलाम वालेकुम सर, रिजर्व डेटा की लास्ट डेट जो है ना सर, मैं मैसेज कर देती हूँ आपको देख के। लिस्ट के ऊपर लिखी नहीं हुई लास्ट डेट, लिस्ट के ऊपर जाए तो रिजर्व कोटा की लिस्ट मैंने ग्रुप पे शेयर की है सर, वहां से देखिएगा, अगर नहीं लिखी तो फिर मैं बता देती हूँ। एक मिनट जरा वेट कीजिएगा, मैं देख के लास्ट डेट देख के बताऊँ।
वाइंड अप कर रहे हैं, खत्म। अच्छा, रिपीट नो रिपीट, यानी अगर इमेज का साइज छोटा है तो वो बार बार रिपीट होगा, तो उसके लिए फिर उसको रोकने के लिए फिर आप बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट लिखते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो राइट टॉप कॉर्नर से जो है ना वो स्टार्ट हो इमेज जो आप लगा रहे हैं, तो आप उसको बैकग्राउंड उसकी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट है कि अगर आपके पेज पे स्क्रोलिंग आ रही है ना, अभी तो उसमें स्क्रोलिंग नहीं है, तो आपकी ये इमेज भी साथ मूव करने लग जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज मूव ना करे बल्कि उसके ऊपर जो टेक्स्ट है सिर्फ वो मूव करे, इमेज आपके पीछे फिक्स हो, तो उसके लिए आप लिखते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड इमेज के साथ ये तीन चीजें थी। ठीक है, इसमें से मैं इमेज लगाना सिखाई है, ये चीजें आप जो है ना वो चेक कीजिएगा। तो मैं बॉर्डर्स पे नहीं जा रही अभी, यहाँ पे क्लास को वाइंड अप कर रही हूँ, मैं नीचे एडमिशन ऑफिस में जा रही हूँ। ठीक है, तो CSS बेसिक्स जो है ना, CSS को यूज करके देखें, इंटरनल को, इनलाइन को और एक्सटर्नल को। ये पूरा वीक है आपके पास ये तीन चीजें क्लियर करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट फिर मैंने बार बार ये इंटरनल एक्सटर्नल का नहीं बताना कि इंटरनल एक्सटर्नल क्या है और इसका सिंटेक्स क्या है, उसको सीखें। जैसे आज भी बच्चा कहता है कि आपने वहाँ क्लोज नहीं किया, तो आप इनके सिंटेक्स को एक दफा क्लियर कर लें कि इनके सिंटेक्स क्या होते हैं। उसमें कोई इश्यू है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। फिर नेक्स्ट हमने सारी इनकी प्रॉपर्टीज ही पढ़नी है, हमने डेव सेक्शन हेडर फुटर्स इन सारी चीजों को जो है ना वो डिटेल से करना है कि कैसे सेक्शंस बनाए जाते हैं, पेज को कैसे डिवाइड किया जाता है, ये सारी चीजें ही हमने थ्रू आउट द CSS डिस्कस करनी है।